कुंभ के महानंदी के त्रिवेणी संगम तट पर भव्य तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक साथ आस्था विश्वास श्रद्धा का और उसके साथ संस्कृति के रंग भी यहां दिखाई दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए लोगों ने अपने क्षेत्र से जुड़े लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम यहां पर प्रस्तुत किया है। इस कड़ी में सेक्टर 13 के गोवर्धन पीठाधीश्वर अघोता नंद जी के शिविर में कई प्रांतों के लोग मौजूद हैं। कुंभ मेले में कला परंपरा और संस्कृति के तमाम रंग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो गुजरात के लोग हैं यहाँ पर गरबा डांस कर रहे हैं और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद के कैंप में मौजूद हैं और ये यहाँ पर जो कुंभ मेले में पूरा एक अनेकता में एकता के रंग दिख रहे हैं और कई कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पर और ये हर उम्र के लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, संगम में स्नान करने आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं और ये स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर काफी खुश दिख रहे हैं। जो यहाँ का नजारा है ये रात का नजारा है, ये लोग भोजन कर चुके हैं, भोजन प्रसाद पाने के बाद यहाँ पर सब लोग अपनी कला को यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये ऐसी कला है जो गुजरात की कला है। इनसे बात करेंगे, जो इनके तमाम जो कलाकार इनसे बात करेंगे। आप लोग गुजरात से आए हैं, ये जो कला है यहाँ पर आप लोग कुंभ मेले में पूरा आप लोग यहाँ पर काफी आनंद ले रहे हैं, क्या कहना है? जी अमे लोग गुजराती आया छे अने यहाँ आगे अमे गुरुजी ना सानिध्य में एक भगवत सप्ताह राखी ने करो छे जेमा अमे लोग खूब ज मजा भागवत नो खूब ज सरस रसपान करी रहे छे एनी आनंद में तमारा गुरुजी ना सानिध्य में अमे खूब आनंदी आ एक सरस मस्त गुजरात ना एक गर्व अने एनो आनंद करी रहे छे। काफी आनंद आ रहा है और गरबा डांस यहाँ पर दिखा रहे हैं और जो पूरी उनकी जो कला है संस्कृति है वो कम से कम यहाँ रूबरू करा रहे हैं और मेरे साथ में यहाँ पर स्वामी अद्वैतानंद जी भी हैं, से जानेंगे कि जो गरबा कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं आपके शिविर में उड़ीसा से, गुजरात से, कश्मीर से, काफी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और काफी कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ मेला है, देश दुनिया की तमाम संस्कृतियां आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ये गुजरात के भक्त लोग हैं, डांडिया नृत्य कर रहे हैं। अभी और भी हमारे यहाँ आल्हा के जो गायक हैं महोबा के, वो लोग भी आने वाले हैं। आसाम से भी जगह जगह से लोग स्वतः आ रहे हैं कुंभ मेला में तीर्थराज प्रयाग का स्वागत में और गंगा स्नान करके आनंद ले रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कला है, कला का अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं, यज्ञ भी हो रहे हैं, हवन भी हो रहे हैं। यज्ञ और हवन के साथ कला का क्या संगम है? यहाँ रुद्र महायज्ञ चल रहा है जहाँ वरिष्ठ विद्वान आए हुए हैं देश के और वेद मंत्रों से हवन और विधान पूरा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का वाचन भी हो रहा है। तो ये जो हमारी संस्कृति है अलग अलग क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं से देवी देवताओं से पूजा से जुड़ी हुई है और ये जो गरबा आप देख रहे हैं ये भी देवी की प्रसन्नता के लिए खास तौर पर नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है और गुजरात में इसका ज्यादा प्रदर्शन देखा जाता है। गरबा डांस से इसका गुजरात में काफी महत्व है। यहाँ पर गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी अद्वैतानंद जी कह रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पल है इसमें धार्मिक और जो वहाँ का तमाम जो संगम है संस्कृति का वो यहाँ पर कम से कम जो यहाँ पर आए हुए हैं लोग श्रद्धालु वो उसको यहाँ पर कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी।